मीर विहार के 35 फुटा रोड पे एक हादसा होने के कारण जो है कल दो लोगों ने कल देर शाम अपनी जान गंवा दी। इस समय मौके पर मौजूद आप मेरे पीछे साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये जो मकान है ये मकान बनाया जा रहा था, उसके बाद इसमें जब ऊपर की छत गिर गई, जब लेंटर गिर गए, उसके बाद से रात में यहाँ पे कोलैप्स हुआ जिसकी वजह से जो मजदूर थे वो इसके अंदर दब गए, जिसकी वजह से कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट भी आई है, इंजरीज आई हैं, घायल हुए हैं लोग यहाँ पर, उसके साथ ही दो लोगों ने यहाँ पर अपनी जान बुरी तरह से गंवा दी। आप इस समय साफ तौर पर तस्वीरों में हालात देख पा रहे हैं किस तरह से जो पूरी छत थी, ये पूरी छत नई नई डली थी, उसके बाद जो था ये छत का यहाँ पे कोलैप्स होता है, उसकी वजह से जो आप नीचे का हिस्सा देख पा रहे हैं इसी में यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो लोग इसके नीचे दबने की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस पूरे हादसे के बाद जब यहाँ पे PCR कॉल हुई उसके बाद से जानकारी साझा करने के बाद पता लगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है आगे की कार्रवाई की गई। JCB मशीन यहाँ पर पहुंची, साथ ही में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और साथ ही में बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौत के बाद से ही जो है यहाँ पे बाकी लोगों को निकाला गया, लेकिन जो वो दो लोगों ने अपनी जान गंवाई है अभी उसको लेकर किस तरह के बड़े हमें एक्शन या फिर कोई बड़ा बयान आएगा उसको देखकर अभी हमें देखेंगे किस तरह से आगे उसको लेकर हमें चीज़ें नजर आएगी। लेकिन अगर हम बात इस समय इस पूरे मकान की करें तो आप मेरे पीछे बाहर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो सपोर्टिव थे सपोर्ट को इस तरह से यहाँ पे बाहर किया गया और साथ ही में जो है पूरे जो मकान को इस हिस्से से तोड़ा गया JCB मशीन द्वारा। आप इस समय देखेंगे तो JCB मशीन द्वारा इस हिस्से को तोड़ा गया है। यहाँ पे इस हिस्से को तोड़ने के बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो शुरू हुआ था, ये बताया जा रहा है। मकान ये जो दीवार थी ये कल शाम तक पूरी बनी हुई थी, लेकिन बाद में जब JCB मशीन आई तो रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए इस पूरी दीवार को तोड़ा गया। और इस समय हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद है, जानेंगे बात करेंगे कि क्या ये पूरा हादसा किस तरह से हुआ, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये जो कल यहाँ पे मकान कोलैप्स हुआ सर इसको लेकर क्या कहेंगे? मैम ऐसा था कि यहाँ पर तकरीबन काफ़ी आदमी काम कर रहे थे, इनका लेंटर डल चुका था तो कुछ आदमी लेंटर डालने में कम से कम 15-20 आदमी तमूमन होते हैं, तो लेंटर को झुका तो ही वो आदमी नीचे उतर गए थे, दो तीन चार आदमी इसको नीचे से फट्टी ठीक करने के लिए आ रहे थे तो वो अचानक उसी के अंदर दब गए। फिर हमारे कॉलोनी वालों को मालूम पड़ा तो कॉलोनी वाले हर बंदे हर घर से भाग भाग के आए, काफ़ी आदमी आए यहाँ पर और पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन करवाया गया परंतु बहुत लेट आए, पुलिस प्रशासन भी अधिकारी भी आए थे वहाँ पर यहाँ पर, परंतु हमारी पब्लिक ने बड़ी सहायता किया और JCB वगैरह द्वारा पब्लिक ने हाथों से ये मिट्टी ये रोड़ा हाथों से निकलवाया लोगों ने, जो कि पब्लिक थी यहाँ की उसको किसी को कील चल गई किसी को, काफ़ी मेहनत किया उन्होंने परंतु पुलिस प्रशासन या और किसी तरफ से उनका कोई ऐसा रिस्क्यू का कोई सामान नहीं आया ताकि ये इतना बड़ा हादसा हुआ कि हमको इसको राहत मिल सके, इससे कुछ जल्दी छुटकारा पा सकते। स्थानीय लोगों की मेहनत से स्थानीय लोगों की कार्रवाई से ये अंजाम दिया गया रेस्क्यू को, जो रेस्क्यू वाले उनके पास कोई ऐसी वेपन नहीं थे जो कि हम जल्दी से इसको बाहर निकाले जो जिसका इंतकाल हो गया वैसे या कोई घायल अवस्था में उसका, परंतु इसके ऊपर मैं क्या बताऊं। आपने देखा किस तरह से स्थानीय लोगों के इस समय जो है बहुत दुख नजर आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो घर है ये बन के तैयार होने के हालातों में पहुंच गया था, लेंटर डल चुका था, उसके बाद जैसे ही कोलैप्स हुआ उसके बाद से हादसे ने यहाँ पे हादसा होने की वजह से यहाँ पे दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, बात करेंगे और जानेंगे आखिर किस तरह का कल शाम को यहाँ पे हालात देखने को मिल रहे थे, कितने बजे यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ पहुंची, कितने बजे यहाँ पे दमकल की गाड़ियाँ पहुंची, बात करेंगे और जानेंगे किस तरह का माहौल हमें रात के समय यहाँ पे देखने को मिला था। आपने देखा हमने यहाँ पे स्थानीय लोगों से बातचीत करी, बातचीत में बताया गया किस तरह से यहाँ पे जो कल देर रात हादसा हुआ उसमें दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी और साथ ही में कुछ लोग यहाँ पे घायल हुए और यहाँ पे मौके पर दमकल की और पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ पहुंची, जिसके बाद से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताइए। तब तक ले बंदी रहे मेरे साथ पंजाब केसरी, मैं कैमरा पर्सन भी खुशना पंजाब केसरी दिल्ली।